हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 18 मई 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के अनुसार सबसे प्रभावित पशु कौन है? आंसर हो जाएगा राइनो। तो अभी हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया है, तो इसमें यह बताया गया है कि सबसे अधिक तस्करी से प्रभावित होने वाला जो जानवर है वो कौन है? राइनो है। इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम ने, यानी UNODC के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2015 से 2021 के बीच तस्करी से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला जानवर है गेंडा, और सबसे अधिक प्रभावित होने वाला पौधा है देवदार। तो देवदार की भी बहुत अधिक मात्रा में तस्करी की गई है। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम की। तो इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, और यह एजेंसी अवैध तस्करी पर नजर रखती है। तो पूरी दुनिया में अवैध तस्करी पर नजर रखने वाली संस्था कौन है? UNODC। अवैध वन्यजीव व्यापार के प्रमुख बाजार डिस्कस कर लेते हैं कि यानी जो अवैध तस्करी होती है उनमें सबसे ज्यादा अवैध तस्करी किसकी होती है। तो जानवरों की अगर हम बात करें तो जो राइनो हॉर्न होता है, यानी राइनो का जो सींग होता है, उसका 29% व्यापार होता है। पेंगुलिन स्केल्स का 28%, हाथी के दांत का 15% और ईल का 5% व्यापार होता है। इसी प्रकार से पौधों की अगर हम बात करें तो इसमें देवदार के पौधों की जो अवैध तस्करी होती है उसमें जो व्यापार होता है वो 47% होता है, रोजवुड का 35% और एगरवुड का 13% अवैध व्यापार होता है। यहाँ पर बात आई है जानवरों से, वन्य जीवों से रिलेटेड एक रिपोर्ट की, तो कुछ ऐसी रिपोर्ट डिस्कस करेंगे जो कि वन्य जीवों से संबंधित हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तेंदुआ रिपोर्ट 2024 की। भारत में तेंदुआ की संख्या यानी लेपर्ड की संख्या है 13,874। सबसे अधिक तेंदुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में तेंदुआ की संख्या है 3,907। अभी हाल ही में हिम तेंदुआ रिपोर्ट को भी जारी किया गया था इंडिया में। इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की जो टोटल संख्या है वो है 718। सबसे अधिक हिम तेंदुआ लद्दाख में है 477, फिर उसके बाद उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू कश्मीर में 9 हिम तेंदुआ है। टाइगर रिपोर्ट 2022 की बात करें तो देश में टाइगर की संख्या है 3,682। सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में है 785, फिर उसके बाद कर्नाटक में 563, उत्तराखंड में 560, महाराष्ट्र में 444 और तमिलनाडु में 306 बाघ हैं। आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम और ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, PDF, डेली कोर्स, ये सभी मिल जाएगा। मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक और 6 मंथ के करेंट अफेयर्स की ई बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में ऐप पर मिल जाएगी। अभी हाल ही में केमिस्ट्री के इंग्लिश मीडियम की ई बुक को जारी किया गया है। ये थ्योरी और MCQs की ई बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें हमने सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। इसके अलावा फिजिक्स की ई बुक को भी लॉन्च कर दिया गया है इंग्लिश मीडियम में, तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया है? आंसर हो जाएगा भूटान में। तो भूटान में दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित प्रतियोगिता पूल खोला गया है। प्रतियोगिता पूल का मतलब ये है कि इसमें स्विमिंग से संबंधित जो कॉम्पिटिशन है वो आयोजित की जाएगी। इसकी ऊंचाई क्या है, यानी कि ये कितनी ऊंचाई पर बनाया गया है ये पुल? तो ये बनाया गया है समुद्र तल से 8200 फीट की ऊंचाई पर या 2400 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। भूटान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू, राजा है यहाँ की जिग्मे खेसर नामग्याल वांगसुक, PM है सैरिंग टोबगे
और करेंसी है नगुल्ट्रम और भारतीय रुपया। भूटान ने अभी हाल ही में रूबेला रोग को सफलतापूर्वक समाप्त किया है और भूटान सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चलिए कुछ ऐसे करेंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो ऊंचाई से रिलेटेड हैं। तो दुनिया की सबसे लंबी वाई लैन सुरंग, जिसका नाम है सैला टनल, अरुणाचल प्रदेश में बनाई गई है। यह कितनी ऊंचाई पर है? तो यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नेट जियो ने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन फिर से बनाया है। 2021 में BRO के द्वारा लद्दाख के उमलिंग ला में सबसे ऊंची सड़क बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। लद्दाख के न्योमा में दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनेगा। डेनमार्क में दुनिया का सबसे ऊंचा रेत महल बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज बना है, जिसकी ऊंचाई चिनाब नदी के तल से 359 मीटर है। लद्दाख में दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई वाले मूवी थिएटर का उद्घाटन कुछ समय पहले किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2030 तक कितनी पहुंच सकती है? आंसर हो जाएगा $1,000 अरब की। तो 2030 तक भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था $1,000 अरब पहुंच सकती है। तो ये अनुमान अभी हाल ही में विशेषज्ञों के द्वारा लगाया गया है। 2023 की बात करें तो 60 बिलियन से बढ़कर के ये अर्थव्यवस्था 325 बिलियन तक हो सकती है 2023 में। भारत में इंटरनेट अर्थव्यवस्था के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल फोन और इंटरनेट की व्यापक पहुंच। भारत के आगामी लक्ष्य भी डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो सभी भारतीय अंतरिक्ष मिशनों के जरिए मलवा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य कब तक का रखा गया है इसरो के द्वारा? तो ये रखा गया है 2030 तक का। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य क्या है इसरो का? 2035 तक का। 100 नए एयरपोर्ट विकसित करने का लक्ष्य है भारत सरकार का 2025 तक का। चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने का लक्ष्य है भारत सरकार का 2040 तक का। भारत में सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है 2024 का। भारत का शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य है 2070 तक का। कृषि में शून्य डीजल उपयोग, नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल करने का लक्ष्य है 2024 तक का। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है 2024 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में केरल के महात्मा गांधी विश्वविद्यालय का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा 81वां स्थान। तो अभी हाल ही में टाइम्स ग्रुप के द्वारा टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग को जारी किया गया है, जिसमें 670 से अधिक यूनिवर्सिटी शामिल की गई थी। तो इस लिस्ट में टॉप 100 में भारत की दो यूनिवर्सिटी शामिल हैं, जिसमें महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि केरल की यूनिवर्सिटी है, इसकी रैंकिंग है 81, और अन्ना विश्वविद्यालय जो कि चेन्नई का विश्वविद्यालय है, इसकी रैंकिंग है 96। अच्छा, पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? तो जो सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, ये पहले स्थान पर है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट सूचकांक और रिपोर्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में UNFPA की रिपोर्ट जारी की गई थी, तो इसमें भारत की जनसंख्या 144 करोड़ और चीन की जनसंख्या 142.5 करोड़ बताई गई है। वैश्विक सैन्य खर्च में चौथे स्थान पर भारत रहा है और वैश्विक सैन्य खर्च के मामले में पहले स्थान पर अमेरिका रहा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में JNU का स्थान कौन सा रहा है? 20वां। और अभी हाल ही में सौर ऊर्जा उत्पादक देशों की लिस्ट जारी की गई थी, तो भारत का तीसरा स्थान और पहला स्थान चाइना का रहा है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का 159वां स्थान और पहला स्थान नॉर्वे का रहा है। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत का 10वां स्थान और पहला स्थान रूस का रहा है। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का तीसरा स्थान, भारत में 67 यूनिकॉर्न है, पहला स्थान अमेरिका का रहा है, अमेरिका में 703 यूनिकॉर्न हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 को अभी हाल ही में जारी किया गया था, भारत का इसमें 42वां स्थान और अमेरिका का पहला स्थान रहा है। अगला क्वेश्चन है, एक्स यानी ट्विटर का डोमेन twitter.com से बदल करके क्या हो गया है? आंसर हो जाएगा x.com। तो ट्विटर का डोमेन अब बदल दिया गया है, पहले इसका डोमेन हुआ करता था twitter.com, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? x.com। दोस्तों, अमेरिका की बिजनेसमैन है एलन मस्क,
तो उनके द्वारा ट्विटर को खरीदा गया था, और फिर ट्विटर को खरीदने के बाद ट्विटर का नाम उन्होंने एक्स किया था, और अब एक्स का जो डोमेन नेम है वो भी बदल दिया गया है, और इसका डोमेन नेम बदल करके x.com कर दिया गया है। ट्विटर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया अमेरिका में है। संस्थापक हैं जैक डॉर्सी, नोह ग्लास, इवान विलियम्स और बिज स्टोन। अध्यक्ष वर्तमान में एलन मस्क और CEO हैं लिंडा याकारिनो। यहाँ पर बदले गए नाम की बात हुई है, तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट बदले गए नाम डिस्कस कर लेते हैं। तो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम निरंजन शाह स्टेडियम कर दिया गया है। पेटीएम ई कॉमर्स का नाम पे प्लेटफॉर्म कर दिया गया है, और अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन। पंजोखरा गांव जो कि हरियाणा का एक गांव है उसका नाम पंजोखरा साहिब। फिरोजाबाद जो कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है उसका नाम चंद्रनगर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर। पुराने संसद भवन का नाम संविधान सदन किया गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम अस्मिता महिला लीग। बांद्रा वर्सोवा सी लिंक का नाम वीर सावरकर सेतु। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम अटल सेतु किया गया है। ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया है, और अल मिनहाद शहर जो कि UAE का शहर है उसका नाम हिंद शहर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के राजा का 3400 साल बाद चेहरा बनाया गया है, यानी उनके चेहरे को रिक्रिएट किया गया है। आंसर हो जाएगा इजिप्ट यानी मिस्र। तो मिस्र के राजा थे जिनका नाम था आमेनहोटेप तृतीय, तो उनकी मम्मी से उनका चेहरा बनाया गया है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा मिलकर के ये चेहरा तैयार किया गया है। जो आमेनहोटेप थे ये 14वीं सदी के राजा थे मिस्र के, तो अब उनके चेहरे को रिक्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से दिखते थे आमेनहोटेप तृतीय, और ये उनकी मम्मी है, तो इस मम्मी से इसको क्रिएट किया गया है। मम्मी का मतलब क्या होता है कि जब कोई राजा खत्म हो जाता था, मर जाता था, तो उसके शरीर को संरक्षित किया जाता था एक बॉक्स में। तो जो उसका शरीर होता था मरने के बाद जिसको संरक्षित किया जाता था उसे मम्मी बोला जाता था। बात करते हैं मिस्र की यानी इजिप्ट की। तो इजिप्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इजिप्ट, और राजधानी है काहिरा, करेंसी है इजिप्शियन पाउंड, ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबी, राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। कुछ और बेसिक जानकारी डिस्कस करते हैं जो कि इजिप्त से रिलेटेड है। मिस्र के गीजा में खुफू का जो पिरामिड है वो मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पिरामिड बनाए गए हैं मिस्र में, तो जो खुफू का पिरामिड है ये सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। मिस्र की सभ्यता का डेवलपमेंट नील नदी के किनारे हुआ। मिस्र देश के पास एक नहर है जिसे हम सुएज नहर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप इजिप्ट के मैप को देख पा रहे हैं, ये है यहाँ पर सुएज नहर। तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो ये है रेड सी और ये है भूमध्य सागर। तो इन दोनों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर। सुएज नहर 1869 में व्यापार के लिए खोली गई थी। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल को अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, तो उन्हें 1066 वोटों से जीत हासिल हुई है। सुप्रीम कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं उनका जो एसोसिएशन है जिसे बार एसोसिएशन बोला जाता है, तो उसके अध्यक्ष कौन बने हैं? कपिल सिब्बल बने हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो मुस्तफा सुलेमान माइक्रोसॉफ्ट के AI प्रमुख बने हैं। दीपक कुमार UP के नए गृह सचिव बने हैं। संजय मुखर्जी पश्चिम बंगाल के नए DGP बने हैं। विनय कुमार रूस में भारत के राजदूत बने हैं। T. Armstrong चांगसन क्यूबा में भारत के राजदूत बने हैं। 16वें वित्त आयोग के सदस्य मनोज पांडा बने हैं। विप्रो के नए CEO श्रीनिवास पल्लिया बने हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के CMD संतोष कुमार झा, CBSE के नए अध्यक्ष राहुल सिंह, एवरेडी के नए एम्बेसडर नीरज चोपड़ा बने हैं, और फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष बनी है जय श्री दास वर्मा, और प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं नवनीत सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालती जोशी का निधन हो गया है, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2018 में। मालती जोशी कौन है? तो यह एक भारतीय लेखिका हैं, तो उनका अभी हाल ही में 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्हें 2018 में
भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्मश्री प्रदान किया गया था। 1971 में इनकी पहली कहानी आई थी जिसका नाम था धर्मयुग। अभी हाल ही में मंजूश्री खेतान का भी निधन हुआ है। मंजूश्री खेतान की अगर हम बात करें तो ये केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की चेयरपर्सन है, तो उनका भी हाल ही में कोलकाता में निधन हो गया है। मंजूश्री खेतान अक्टूबर 1998 में केशोराम इंडस्ट्रीज के बोर्ड में शामिल हुई थी। केशोराम इंडस्ट्रीज कपड़ा से संबंधित एक इंडस्ट्रीज है जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा उलान बटार में। तो मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटार, तो वहां पर 16 और 17 मई 2024 को रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत और मंगोलिया के बीच में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई है। इसमें भारत ने मंगोलिया से ये कहा है कि वो रक्षा उपकरणों का उपयोग करे, यानी कि भारत में बने हुए जो रक्षा उपकरण है उनका उपयोग मंगोलिया करे। मंगोलिया की बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। तो मंगोलिया उत्तर मध्य एशिया में स्थित एक देश है और यह चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है, यानी यह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। कैपिटल इसकी उलान बटार है, करेंसी है तुगरिक और प्रधानमंत्री हैं लव सन्नाम सराय ओयुन। मंगोलिया के उत्तर में रूस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है रूस और ये है चाइना। यहाँ पर बौद्ध धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। और आपको याद रखना है कि भारत और मंगोलिया के बीच में एक नोमोडिक एलिफेंट अभ्यास आयोजित किया जाता है और मंगोलिया में हर साल एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास आयोजित किया जाता है जिसका नाम है खान क्वेस्ट। तो इसमें भारत नियमित रूप से शामिल हो रहा है। मंगोलिया की लोकेशन आप पूरे वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन काठमांडू नेपाल में हुआ है। 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन अबूधाबी में हुआ है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 बेल्जियम में हुआ है। प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में हुआ है। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन दक्षिण कोरिया में हुआ है। स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच 2024 का आयोजन सिंगापुर में किया गया है। परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में और भारत टैक्स 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 18 मई को। तो हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 1983 में की गई थी। 2024 की थीम है शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, यानी म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये थीम नोट कर लीजिएगा। हाल ही में मनाए गए प्रमुख दिवस डिस्कस करते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खनिक दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 17 मई को दूर संचार दिवस मनाया गया है, 18 मई को विश्व एड्स टीका दिवस भी मनाया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 28 मई को महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। तो ये है मई माह में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवस। चलिए अब कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। सुनील छेत्री ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? फुटबॉल। किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है? जापान। फेडरेशन कप 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। हनुमान AI चैटबॉट को कितनी भाषाओं में लॉन्च किया गया है? 98। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किस लेखक को सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड। 2023 में वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में टॉप पर कौन सा देश रहा है? भारत। केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है? उत्तराखंड। फोन पे ने किस देश में UPI लॉन्च किया है? श्रीलंका। कमला बेनीवाल किस राज्य की पहली महिला मंत्री थी जिनका निधन हो गया है? राजस्थान। आकाशवाणी की महानिदेशक का पदभार किसने संभाला है? मौसमी चक्रवर्ती ने। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम डिस्कस करेंगे स्विट्जरलैंड में मुख्यालय वाले प्रमुख संगठन, यानी ऐसे संगठन जिनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है
और ILO का मुख्यालय जिनेवा में है, रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ये भी जिनेवा में है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय भी जिनेवा में है, और विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, UNSCR का मुख्यालय जिनेवा में, और अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय जिनेवा में, और UNAIDS का मुख्यालय भी जिनेवा में है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय वर्न में, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि का मुख्यालय ग्लैंड में, ये ग्लैंड जो है स्विट्जरलैंड में ही है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है वो जिनेवा में है, और IUCN का मुख्यालय ग्लैंड में है। तो ये है स्विट्जरलैंड में मुख्यालय वाले प्रमुख संगठन। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, आंसर हो जाएगा फुटबॉल, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर फुटबॉल बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का।